दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज है एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो आज का दिन शुरू हुआ था सुबह का, मतलब जो कल काम रह गया था उससे। कल जो मैंने आप लोगों को वॉल लोवर्स दिखाए थे, वो ना हमारे टीवी के पीछे वाला जो एरिया था वहाँ तो लग चुके थे, लेकिन मेन एंट्रेंस पे भी हमें लगवाने थे। यहाँ पर हम वाइट कलर के ही लगवा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एंट्रेंस वाला जो एरिया है ये थोड़ा बड़ा लगे दिखने में। यहाँ पर हमने ब्राउन कलर में नहीं लगवाए। एक और चीज़ है यहाँ पर लगवाने के पीछे कि यहाँ पर ना एंट्रेंस की वजह से काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, तो हाथ ना बहुत लगते हैं इधर। तो वॉल पे चाहे कोई भी कलर का पेंट कराओ, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, निशान बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो इसे लगवाने के बाद हमें ये दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से इसे पहुँच सकते हैं और ये तुरंत साफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लाइट कलर में लगवाएं, जो कि देखने में भी अच्छे लगें। शाम का टाइम हो रहा था और सोफ़ा ना जाने वाला है आज हमारा। हाँ, सोफ़ा किसी को पसंद आ गया है तो वो लेकर जाने वाले हैं। और ये जो सोफ़ा था हमारी थर्ड रूम में रखा हुआ था, ये रूम भी पूरा भरा भरा बंद बंद था इतने दिन से, और इसे हम खोल भी नहीं पा रहे थे। सोफ़े इतने बड़े बड़े हैं, वो इसमें आ गए थे तो खुल भी नहीं पा रहा था ये रूम अच्छे से। तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी निकाल दिया जाए, वैसे भी हमें नया सोफ़ा तो लेना ही है। तो ये सोफ़ा आज आप लास्ट बार देख रहे हो, इसके बाद आपको नहीं दिखाई देने वाला मेरे व्लॉग्स में। अब हमारे घर में जब नया सोफ़ा आएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये ना मैं थोड़ा बहुत झाड़ रही थी, क्योंकि यार सोफ़े पे धूल बहुत जल्दी इकट्ठी होती है, प्लस मफिन के इक्का दुक्का अगर बाल उड़ के पहुंच जाते हैं तो मैं अच्छे से साफ़ करके दूं किसी को अगर दे रही हूँ। इसीलिए मैंने पूरा अच्छे से सोफ़े को अंदर से बाहर से अच्छे से साफ़ कर लिया। सोफ़े को बचाने के लिए हमने इसे ना थर्ड रूम में जब रखा था तो इसके जो नीचे के पाए हैं उन्हें हमें निकालना पड़ा था, वरना ये आ नहीं पाता रूम में। तो अब वो फिक्स कर रहे थे बस प्रशांत, उसमें नीचे पेच ही लगाने होते हैं, 2-3 पेच होते हैं, बस वो लगा दो तो फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सोफ़ा जो है काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है, 6 साल से हम इसे लगातार यूज़ कर रहे हैं सोफ़े को। जाते वक्त थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था, लग रहा था यार ये सोफ़ा जा रहा है। एल शेप में सोफ़ा बहुत मन से बनवाया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है एल शेप में सोफ़ा लेने का। अब जो नेक्स्ट सोफ़ा लेंगे वो एल शेप में तो नहीं लेंगे, अभी तक तो यही प्लान है। ये है नेक्स्ट डे, आज से ना काम शुरू होने वाला है, वाइट वॉश का, पेंट का, ये सारा। तो जितनी भी चीज़ें थी जो कि हमें बचानी थी पेंट वगैरह से, वो हम लोगों ने बबल रैप वाला, हमारे पास शीट पड़ी हुई थी, प्लेन वाली नहीं थी, जो थी हमने उसी को इस्तेमाल कर लिया। रात में जो सोफ़े निकाल कर बाहर रखे थे, अब उन्हें घर से बाहर रख रही हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि अब होगा घर में पेंट, और पेंट अगर इसके ऊपर गिर गया तो ये बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। तो ये मैंने ना आंटी को दिए हैं, और आंटी थोड़ी बहुत देर में आके इसे ले जाएंगी, तो इसी वजह से मैंने इन्हें घर के बाहर चादर ढक के रख दिया था। पेंट का काम हम जिनसे करा रहे हैं हम उन्हें काफ़ी टाइम से जानते हैं, लास्ट टाइम भी इन्होंने ही हमारे घर का सारा पेंट किया था। वो बहुत तसल्ली से करने वाले बंदे हैं ये, बहुत आराम से अच्छे से करके जाते हैं। यहाँ पर मैं लंच दिखा रही हूँ आपको, घर में भिंडी की सब्ज़ी और अरहर की दाल बनी है। ये तो सुबह ही सुबह बन के तैयार हो गई थी, किचन इस तरीके से बाद में सील हो जाती है वरना थोड़ी सी भी धूल अंदर जाएगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मैंने माइक्रोवेव, ओवन सबको अच्छे से ढक के पैक कर दिया था। I know that I haven't been who I was। सुबह से अब टाइम मिला है, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिए थे मैंने। आज से पेंटिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब वाइट वॉश, पेंटिंग, जो भी कुछ आप कहो। और केवल हम लोग लिविंग रूम में करा रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले तो इस कमरे में भी पेंट हुआ था, पूरे घर में ही हुआ था इनफैक्ट, क्योंकि लिविंग रूम में हमने चेंजेस दिए हैं इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग अब पेंट वगैरह भी होगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा, मैच नहीं करेगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे मार्केट, अभी कलर बनाने वाली बात नहीं आई है, अभी तो ये पुट्टी करने वाले हैं, जो हमने वो फॉल सीलिंग कराई है ना उस पर वो पुट्टी करके घिसाई करके उसे एक सार कर रहे हैं। तो आज का दिन इनका ना इसी में जाने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहा धो के रेडी भी हो जाती हूँ, मार्केट निकलना पड़ा कलर्स वगैरह मैच कराने के लिए, क्योंकि मैं ही देखूँगी कि पढ़ना। प्रशांत कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा वो फिर करती हो, तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो तुम मुझे बोलोगी कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं इनके साथ चली ही जाऊँ, लेकिन आज नहीं हो रहा वो काम। तो आज हम दूसरे काम करके आ रहे हैं, आज हम ना शीशा ऑर्डर करके आएंगे, जहाँ पर हमें शीशा लगवाना है ना वो शीशा वगैरह देख कर आते हैं आज, तो वो वाला काम करने के लिए आज मार्केट निकलते हैं, और फिर बताती हूँ आगे क्या रहता है। जो भी प्रोग्रेस हो रही है घर में मैं डेली व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग से जुड़े हुए नहीं हो तो आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप 1-2 व्लॉग पुराने वाले भी चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से घर में चेंजेस आ रहे हैं।
आज मार्केट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ काम ऐसा था जो कि आज नहीं देंगे तो वो 4-5 दिन बाद हमें मिलेगा नहीं। तो आज हम लोग मार्केट निकल आए थे, शीशे वाली शॉप पर आए थे। ये ना शावेरी है, नोएडा में ही पड़ता है। यहाँ पर आपको फर्नीचर मिल जाएगा, बेड हो, सोफ़ा हो, कुछ भी किसी भी टाइप का फर्नीचर यहाँ मिलता है। मंदिर के तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ पर हम ग्लास की शॉप पर आए थे, SS ग्लास करके, इन्हें हमें ऑर्डर देना था और 4-5 दिन लगेंगे उसे बन के आने में, इसीलिए आज ऑर्डर देना बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर ना लाइट्स की भी बहुत अच्छी शॉप है, शैंडलेयर हुआ या लाइट्स हुई, झूमर हुआ, उसकी भी काफ़ी सारी शॉप है। तो ये ना मल्टीपर्पज़ मार्केट है जो कि नोएडा में काफ़ी फेमस है, शावेरी नाम से। Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more. घर पर जब हम वापस आए, ये अपना काम कर रहे थे तब, और ये काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें 5 से 6 दिन लगने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत तसल्ली से काम करते हैं और अच्छे से। पेंटिंग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, जस्ट जो पुट्टी हुई है उसको कराया इन्होंने आज, जैसे कि सारी चीज़ें ना लेवल में आ जाएं, जिससे फिर उस पर जब पेंट हो तो अच्छे से हो। इस वजह से घर के जो मेन एंट्रेंस है ना, उस पर हमने ये जाली वाला डिज़ाइन बनवाया है। इससे सूखने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तो 4-5 दिन पहले ये जाली वाला डिज़ाइन दिया था उनको हमने सेलेक्ट करके, तो ये आज लेकर आए हैं। फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा इन्हें कट करना पड़ेगा। और ये साचा भी यही बना के गए थे, जिनसे हमने वॉल बीडिंग का काम कराया है ना, उन्हीं से ये वाला भी काम कराया है। सॉफ्ट लाइट आएगी ना, जैसे रॉड की आती है, रॉड के आगे उन्होंने वो एक लगी हुई है ना, ऐसी रॉड की LED ऐसी थोड़ी आ जाती है, तो इससे सॉफ्ट रिफ्लेक्शन बनता है, सॉफ्ट। तो इसे कटने के बाद इसका साइज़ परफेक्ट हो गया था। इसके बीच में एक शीट लगती है वाइट कलर की, जो कि बहुत नाजुक होती है, बड़े ध्यान से आपको लगानी होती है। उससे ना जब लाइट नीचे पड़ती है तो बहुत सॉफ्ट लाइट पड़ती है। अभी इसके जो किनारे हैं ना, उस पर पेंट होगा, वो हम अलग कलर से कराएंगे। बीच की जो जाली है वो हमने वाइट कलर से बनवाई है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था, मेन एंट्रेंस का मतलब मज़ा ही आ गया था, लुक ही बदल गया था। आज बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, और बारिश के मौसम को देखते हुए कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था जो कि सच में एक होता है ना सॉसेज वाला जो फूड होता है, जैसे चाइनीज़ फूड, वो खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने निकाले नूडल्स, और ये ना मोर से लेकर आई थी मैं, ये वाले नूडल्स, मोर वाले नूडल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपके घर के पास स्टोर है ना, तो आप ये वाले ट्राई करना, ये बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मार्केट में नहीं मिलते हैं नूडल्स, बिल्कुल इतने पतले वाले होते हैं, मोटे नहीं होते ये। मुझे मोटे वाले नूडल्स खाने में इतना मज़ा नहीं आता, उसमें मसाला चिपक ही नहीं पाता है। और यहाँ पर बस मैंने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी में नमक डाला था, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था, और बॉयल करने के बाद बस इसको छान लूँगी। और जब भी घर में ऐसी चीज़ बनती है ना, तो बस मुझे कशिश की तुरंत याद आ जाती है, लगता है कि यार कशिश होती तो बहुत इन्जॉय करती, उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो खुद ही बनाती है, बल्कि ऐसी चीज़ें मैं कम ही बनाती हूँ, वो ज़्यादा बनाती है। और यहाँ पर मैंने बॉयल करने के बाद इसे छान लिया था, ठंडे पानी में भी निकाल लिया था एक बार। आधा नींबू मैं इसमें निचोड़ कर डाल रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा और खिली खिली बनेगी। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ, और सब में अच्छे से लपेट के इसे छोड़ दूँगी, तो बिल्कुल एक एक जो नूडल है वो खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं एक दूसरे से। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि आप क्या करते हो नूडल्स जिससे खिली खिली बने, उसके लिए आपकी क्या टिप है, क्या ट्रिक है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। सभी लोग पढ़ते हैं कमेंट्स, आपकी टिप्स और ट्रिक्स भी उनके लिए काम आएंगी जितना मेरे लिए काम आती हैं। तो यहाँ पर ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें प्याज और थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई करनी थी, तो मैंने थोड़ी तो गाजर काट रखी थी, थोड़ी कैप्सिकम, 2-3 हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मैंने भून लिया। तो यही कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी फ्रिज में, वही मैंने भून ली। साथ में आप कैबेज भी डाल सकते हो, कैबेज मैं डालती नहीं हूँ बहुत टाइम से, कैबेज मैंने डालना ही बंद कर दिया है नूडल्स में, मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। यहाँ पर मैं बाउल में ना सारी सॉसेस मिक्स कर रही हूँ, जैसे क्रीम चिली वाली, आपकी सोया सॉस, टमाटो केचप, और साथ में शेजवान चटनी, ये सारी की सारी सॉसेज मैंने यहीं पर बाउल में मिक्स कर ली हैं। मैं उसमें कढ़ाई में नहीं करती, कढ़ाई में ना जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनका टेस्ट उतना प्रॉपर नहीं आ पाता है। एक और अच्छी बात होती है कि सारी सॉसेज ना आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाती हैं बाउल में, अगर इस तरीके से बना के तैयार करके रखते हो।
तो बस इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे, और आप चाहो तो इस टाइम पे हल्का सा पानी भी डाल सकते हो जिससे बिल्कुल भी सॉसेस नहीं जलती हैं, और नूडल्स मसाला भी डाल सकते हो, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आज था नहीं घर में क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज नूडल बनी है, और ये पैकेट भी कशिश के लिए मंगाया था और उसने बनाया नहीं इस बार, तो ये पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज बारिश का मौसम है, आज चाउमीन ही खाई जाए, नूडल्स ही खाई जाए। तो हमारा यम्मी सा इवनिंग स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना था, अच्छा लग रहा था खाने में। Chance, I swear I'll try my best to always be there. तो आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है लगातार, अभी भी बारिश हो रही है इस टाइम। और मैं क्या बोल रही थी कि कल आप लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं ना वॉल पैनलिंग के ऊपर, जो कि हमने लोवर्स लगवाए हैं, वो बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशंस आए हमारे पास। 60% लोगों ने तो हमें वॉल क्लॉक के लिए ही बोला है, और 20% लोगों ने लाइटिंग के लिए बोला है, और 20% लोगों ने आर्टिफैक्ट के बारे में बोला है कि ये भी लगवा सकते हो, जैसे गोल्ड में खासतौर से। हाँ, तो गोल्डन में ज़्यादा बेटर लगेगा। तो लाइट का क्या है ना, अगर हमने उसमें लोवर्स में अगर लाइट लगवाई ना, तो जब वो जल नहीं रही होगी ना, तो उसका एक व्हाइट कलर का एक उसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, तो वो दिखाई देगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। और फिर हमारे पूरे जो डाइनिंग एरिया है ना, उसमें लाइट्स ही लाइट्स हैं, ऊपर भी हैं, बराबर में जो क्रॉकरी यूनिट है उसमें भी है, तो बहुत ज़्यादा लाइट, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं लाइट की दुकान ना हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं जो सोचा है कि उसके ऊपर कोई अच्छा सा आर्टिफैक्ट लगाते हैं गोल्डन में, या फिर वॉल क्लॉक भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वॉल क्लॉक मुझे अच्छी पसंद आ गई, तो मैं जरूर वॉल क्लॉक जरूर लगाऊंगी, क्योंकि काफी सारे लोगों का यही सजेशन रहा है। अच्छा, एक दो लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि ये जो लोवर्स हैं या फिर ये जो वॉल पैनलिंग आप करा रहे हो, ये कहाँ मिलेंगी, मतलब उनको ये आइडिया नहीं है कि ये मिलती कहाँ पर है, उन्हें अपने घर में काम। तो इसके ना दो तरीके हैं, एक तो लोवर्स की ना शॉप होती है, जो लोग WPC पैनलिंग वगैरह करते हैं ना, उन लोगों के पास मिलेगी, नहीं तो जो आपको मिलेगा वो जैसे ये लोग होते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पे आपको प्लाई बोर्ड वगैरह मिलते हैं, राइट, वो लोग भी रखते हैं। मैं किसी काम से प्लाई लेने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखे उनके जो कैटलॉग हैं, तो मैंने वहाँ पे ही चूज़ किया, रीमा ने भी चूज़ किया, और हम लोगों ने वहाँ वहीं से मंगा लिया। और इसमें भी दो टाइप की पैनलिंग होती है, एक है चारकोल वाली, एक होती है WPC वाली। WPC वाली आप समझ लीजिए प्लास्टिक काइंड, और चारकोल वाली होती है जो चारकोल से बनती है, तो चारकोल वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। WPC तो चलती ही है, लेकिन चारकोल वाली ना सॉलिड होती है, तो आप जैसे उसके दीवार पे लगाओगे तो आपके अंदर वो वाली बात होती है ना, जैसे प्लास्टिक की वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, जब आप उसके ऊपर ऐसे करोगे तो वो सॉलिड होती है, उससे ऐसा लगता जो है। हमने मेन एंट्रेंस पे कराई है वो चारकोल वाली। हाँ, है ना, वो चारकोल है। तो पिलर पे कराई है ये, पिलर वाली ये WPC है। अच्छा। क्योंकि इसमें रीमा ने ये आइडिया लगाया था शुरुआत में कि हम लाइटिंग कराएंगे, लेकिन हम लोग लाइटिंग नहीं की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ये फिर भी अच्छी लगता है, ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसी प्लेन भी अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ वॉल क्लॉक का मेरा मन है तो मैं लगवाऊंगी। और एक और चीज है कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता चल रही कि आपके आसपास कहाँ है, तो आप गूगल कर सकते हो, गूगल में आप ये चीज डालिए, तो वहां पे ना आपको शॉप के नीचे ऑप्शंस भी आ जाएंगे, तो आपके घर के पास जो होगा ना वो आपको नजर आ जाएगा। आजकल तो यार नेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें तो नेट पे ही मिल जाती हैं, तो आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि हमारे घर का एरिया कितना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो मुझे अलग अलग वीडियो में आता है। तो अराउंड जो है 1400 के करीब का है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ये जो आपकी क्रॉकरी यूनिट है वो आपने कितनी डेप्थ की बनाई है और क्या हाइट है। देखो आपके घर में जो जगह है आप उसके हिसाब से बनाओ, मेरे घर में जितनी जगह थी मैंने उस हिसाब से बनाई है। 11 इंचेस की डेप्थ थी इसकी। हाँ। और ये तो, मतलब इसकी 9 इंचेस की डेप्थ थी, 2 इंच बाहर निकली हुई है, तो ये 11 इंच की डेप्थ है इसकी। तो 11 इंच में क्या है ना, कोई भी आप प्लेट ऐसे नहीं रख सकते हो, आप ऐसे फ्रंट फेसिंग रख सकते हो, बहुत सारी चीज आ जाती है इसमें, ग्लासेस, कप्स, इसके अलावा जो पॉट होते हैं ना कुकिंग वाले, जो फैंसी वाले पॉट होते हैं छोटे साइज के, वो भी आप इसमें आराम से रख सकते हो। तो मतलब हमने जो 2 इंच बाहर निकलवाई है ना उससे थोड़ा स्पेस और ज्यादा हो गया है, वैसे 9 इंच की ही स्पेस थी। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन जो मुझे रीसेंट ब्लॉग पर मिले थे, तो मैंने सोचा आज मैं आपको फेस टू फेस आंसर कर देती हूँ, आपके अलावा जो और लोग क्यूरियस होंगे उन लोगों को भी इसी टाइम आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग था इतना ही, फोन आ रहा है किसी का, मैं मिलूंगी कल आपसे, बाय बाय बाय।